फ्रेंड्स नमस्ते। आज मैं अपने इस एपिसोड में एक और समस्या का समाधान लेके आई हूँ और वो ये समस्या है पेशाब में होने वाली जलन। इस समस्या से मेरे सभी भाई बहन हो या इंडिया का हर एक पर्सन कोई भी नागरिक हो इस समस्या से परेशान है। तो इसका क्या इलाज है, कैसे करना है, कब करना है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये मैं आपको बताने से पहले ये बता दूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करना ना भूलें क्योंकि मुझे इसकी खास ज़रूरत है। अगर आपकी कृपा रही तो मेरा चैनल ऐसे ही चलता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे नुस्खे, उपाय अलग अलग बीमारियों के लेते आऊँगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी थोड़ा कृपा दृष्टि दिखाएं मुझ पर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो मेरा आज का टॉपिक है ना, पेशाब में जलन। ये किस लिए होता है पेशाब में जलन? नॉर्मली या तो आपके पेट में इन्फेक्शन हो या आपके लीवर में इन्फेक्शन हो या फिर आपके यूरिन का जो एरिया है उस एरिया में जहाँ से आप यूरिन पास करते हो उस एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सूजन हो या रीढ़ की हड्डी में कई बार चोट लग जाती है इस कारण से या फिर पथरी हो, इन कारणों से आपको क्या होती है पेशाब में जलन। और अगर पेशाब में जलन ज़्यादा है तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति या डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। बट पानी पीने से तुरंत तो कोई इलाज नहीं है ना, पानी पीने से ये तो नहीं है कि तुरंत ही आपको आराम मिल जाएगा। तो कोई एक ऐसा उपाय होना चाहिए ना, नुस्खा होना चाहिए ना जिससे हमें तुरंत आराम मिल जाए। क्योंकि पानी, हाँ ये ठीक है कि वो नुस्खे के बाद भी आपको आराम तो तुरंत मिल जाएगा लेकिन ऐसा रोज़ ना हो, इसलिए आपको हर एक घंटे पर पानी पीना चाहिए। लेकिन वो नुस्खा क्या है जिससे आपको तुरंत आपकी जलन छूम अंतर हो जाए, जड़ से ख़त्म ही हो जाए? तो चलिए बात करते हैं मेरे उस नुस्खे की, और वो नुस्खा है नींबू और पानी। नींबू पानी, बड़े से बड़ी जलन हो ना यूरिन में तो क्या करते हैं, ये उस जलन को छूम अंतर कर देती है 2 मिनट में। करना क्या है आपको, एक नींबू लेना है, उसे हाफ हाफ काट दीजिए, और उसे लेके निचोड़ दीजिए और अच्छे से निचोड़िए ताकि पूरा रस निकल जाए। पूरा एक नींबू ले सकते हैं आप और उसे अच्छे से निचोड़ना है। और ये आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है, मतलब कि नींबू ज्यादा और पानी थोड़ा सा कम ही लीजिए, मतलब एक गिलास से थोड़ा सा कम, पौना गिलास भी चल जाएगा, इतना पानी लीजिए आप और इसमें नींबू मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा नमक। अगर किसी के गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, नींबू से प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं क्योंकि नमक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो ये उनको इन्फेक्ट भी नहीं करेगा, उनके गले को ख़राब भी नहीं करेगा नमक डाल लेने से। और जो ऐसे ही पचा सकते हैं नींबू पानी वो उनके लिए तो बेस्ट है। तो इसे क्या करना है, इसे अब चम्मच से हिला लेना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये नींबू पानी वो वाला नींबू पानी है शिकंजी टाइप, तो आपको शिकंजी नहीं बनानी है, आपको प्योर नींबू पानी बनाना है, मतलब सिर्फ नींबू और पानी होना चाहिए। इसके अलावा बहुत हो गया तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं स्वाद के लिए कह लीजिए, या जिनको खट्टे से परहेज है उनके लिए। और बस ये बन गया नींबू पानी और इसे अब पी जाइए। बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में जलन का सबसे कारगर अचूक रामबाण इलाज है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा आज का नुस्खा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट।